साल 1954, ये वही साल था जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे खूब जोरों शोरों से लगाए गए थे। भले आज हमारे चीन के साथ संबंध उतने अच्छे ना हों, लेकिन आज से 68 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते की नींव रखी गई थी। ये समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए किया गया था, जिससे आने वाले 5 सालों के बीच भारत की विदेश नीति की रीढ़ और भी मजबूत होने वाली थी। ये समझौता उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय चीन के पहले प्रधानमंत्री के बीच किया गया था। इसके साथ ही आपको भी ये भी बता दें कि ये वही साल था जब पहली बार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। जी हाँ, ये जो रत्न है भारत रत्न, ये देश में सेवा के लिए दिया जाता है और ये 3 लोगों को दिया गया था। इसमें सी राजा गोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन के नाम शामिल हैं।